बाद नाइक समाज का कार्यक्रम था, रेवारी देवासी राय का समाज का कार्यक्रम था, राजपूत समाज का भी कार्यक्रम था छात्रावास के अंदर, और सुबह से शाम हजारों लोगों से मैं मिलता हूँ। और लोकसभा चुनाव के बाद खींवसर के करीब करीब जगह मैंने दौरे भी किए, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अभी राजस्थान में है, अगर कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं होता हमारा, एक बार बात करेंगे हम, एक आध दिन के अंदर क्लियर हो जाएगा, तो हम कम से कम 3-4 सीट पर राजस्थान में लड़ेंगे, फिर झुंझुनू देवरी उड़ियारा और एक आध जगह और भी हम लड़ेंगे राजस्थान के अंदर, ये हमारी इच्छा है। और अगर अलायंस होता है तो हम 2 सीट की डिमांड हम कर रहे हैं, देवरी उड़ियारा और खींवसर, ये हम मांग कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी हमारे 20,000 ज़्यादा वोट आए थे। रही खींवसर के चुनाव की बात, तो 8, 13, 14, 18 फिर 19, 23, 24 8 चुनाव लगातार खींवसर में खींवसर की जनता ने हनुमान बेनीवाल को, इनके परिवार, मेरे परिवार को जिताया, और पूरी जनता खुद चुनाव लड़ती है। आप देखिए, उम्मीदवार भी जनता की पसंद का होगा, 2 दिन बाद में लोगों को इकट्ठा करूंगा, वो ही तय करेंगे उम्मीदवार कौन होगा, और फिर वो खुद उसके लिए जी जान से जुड़ जाएंगे कि जीता के हनुमान जी को देना है। और अभी खींवसर चूंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की राजधानी है, विधानसभा में आरएलपी का एक भी एमएलए नहीं है, तो पूरे राजस्थान की जनता ये चाहती है कि खींवसर से भी सीट जीते और सीटें भी आरएलपी के आए, तो तैयारियां हमारी पूरी है। अभी विकास के जो बचे हुए काम, सारी सड़कें पिछले बजट की सारी सड़कें खींवसर के अंदर बन रही है, चाहे केंद्र की योजना की हो, चाहे स्टेट की हो, बिजली पानी सड़क स्कूल अस्पताल और जो काम है, एमपी लेट गए, एमएलए लेट गए, मेरे पैसे रोक दिए थे, उच्च न्यायालय के अंदर कल उसकी सुनवाई है, 5 करोड़, लेकिन एमपी लेट का 5 करोड़ रुपया भी मैंने खींवसर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर निकाल दिया। बिजली में जो स्कूल थे उन स्कूल के अंदर, बच्चों के डिजिटल लाइब्रेरी और दूसरे कामों के अंदर वो स्वीकृत है, मैं जारी करा दी। खींवसर की जनता अलर्ट है, तैयार है, और इस बार जो आरएलपी को वोट है वो 1 लाख से पार जाएगा, 1 लाख से पार कर भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह शिकस्त खींवसर की जनता इस बार देगी।